खाया सुबह नाश्ते में खाया, और जो खोया था वो गजरेले के ऊपर डाल के चम्मच से खाया। हमने पाया जलालत पाई है, महंगाई पाई है, उसके बाद आटे का बहरान पाया है, चीनी का बहरान पाया है। एक बंदे ने कराची के शहर में खुदकुशी कर ली है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। क्यों कहने की बातें हैं? नारे वगैरह मार रहा था कुछ कर लेगा, ना बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, जो था वो भी गया मेरा बिल्कुल बेड़ा कर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान खुशबू अफजाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 का इख्तिताम है और 2022 का आगाज होने जा रहा है, इसी हवाले से आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने 2021 में क्या खोया और क्या पाया। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2021 जो है वो जाने वाला है, तो आपने इस साल में क्या खोया और क्या पाया? पाया सुबह नाश्ते में खाया, और जो खोया था वो गजरेले के ऊपर डाल के चम्मच से खाया। यानी कि बस खाते पीते ही गुजरा आपका साल? चले कोई नहीं, वो किया। 2021 का इख्तिताम है, 2021 का इख्तिताम है, ठीक है। आपने इस साल में क्या खोया और क्या पाया? 2020 से लेकर 21 तक हमने सिर्फ खोया ही खोया है, हमने पाया कुछ नहीं है। और अगर आप कहती हैं कि हमने पाया है, जलालत पाई है, महंगाई पाई है, उसके बाद आटे का बहरान पाया है, चीनी का बहरान पाया है, और हमने अपनी किस्मत में ये नाकाम ना अहल वज़ीर आज़म पाया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं पाया। अब आप क्या सोचती हैं कि क्या खोया क्या पाया? यू नो देन मी के व्हाट आई वांट टू से कि क्या पाया क्या खोया, तो नाउ यू कैन जज के क्या पाया क्या खोया। जवाब देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को जवाब यही देना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को जवाब दे देता है ना, वैसे मेरी तरफ से इस हुकूमत को जवाब है, इनको जवाब है, क्योंकि इनका जो मर्ज है ना वो लाइलाज है, इनको हमारी तरफ से जवाब है। मुझे ये बताएं कि आप फिर किसको वोट देंगे? आप मियां साहब तो बाहर जाके बैठ गए हैं, हमारे पास इमरान खान साहब भी बैठे हैं, अब क्या करेंगे, किसको वोट देंगे नेक्स्ट टर्न में? नेक्स्ट टर्न में आना तो मियां साहब ने, और अगर आप कहती हैं कि वोट किसको देंगे, तो मियां साहब नाम भी हुए तो उनके नाम का वोट हम दरबार के गले में डाल देंगे, लेकिन इस नाहल को नहीं देंगे। वो कानून लागू होना चाहिए, हमें सब सबस बाग तो दिखाते हैं इस्लामी कानून नाफज करेंगे, क्यों नहीं ये नाफज करते? वो मदीना उसके आप क्यों करते हैं, मदीना की रियासत का आप बात करते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल है, आपके लिए मिसाल है, वो आपके लिए मिसाल है। इन्होंने देखो हमारे हुक्मरान है जो जिन देखो हम कहते हैं हम तो इंसान ही नहीं ना, इनका इलाज होता है लंदन में, बीमार होते हैं ये लंदन में, इसका मतलब हम तो जानवर हैं, क्योंकि हम तो इलाज जो यहाँ कराते हैं। बताएं, जो भी महंगाई हुई पड़ी आप सेटिस्फाई हैं इससे? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई इससे, इसलिए कि ये ऑल ओवर है, और कुछ हमने ये उधार ले लेके लोगों से खाया, मेट्रो ट्रेन इतने सूद के ऊपर जो लिए है, ये पैसा कौन देगा, आप और हम दे रहे हैं ना, ये जो देखे ना मेट्रो ट्रेन को आप कुछ ना कहें, क्योंकि देखें पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, एक गरीब आदमी मेट्रो का सफर ही कर रहा है ना, बच्चे वो गरीब आदमी सफर कर रहे हैं, तो ऑल ओवर वे है, तो हम पाकिस्तान को देखते हैं, अब पूरी दुनिया में देखें, हम खाली पाकिस्तान में महंगाई नहीं। 50 लाख नौकरियां किधर हैं? है जी बेटा, कोरोना आ गया उसकी वजह से सारी दुनिया बंद हो गई है, नौकरियां कहां से आएंगी? पहले कोरोना आ गया नौकरियां गई, अब ओमिक्रॉन आ गया नौकरियां गई, महंगाई आ गई नौकरियां गई, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई नौकरियां गई, और भाई लोग भूखे मर रहे हैं। कौन मर रहा है? कौन मर रहा है? मुझे बताया ना कौन मर रहा है? ये एक ड्रामा है आप लोगों का, ये एक ड्रामा है, कोई नहीं मरता। मैं आपको बताती चलूं, अल्लाह ताला सबको खिलाता है, अल्लाह ताला सबको खिलाता है, सब खा के सोते हैं। अच्छा मेरी, मुझे ये बताएं, एक सेकंड नाज़रीन होल्ड ऑन, एक बंदे ने कराची के शहर में खुदकुशी कर ली है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। क्यों कहने की बातें हैं? कहने की बात नहीं, खबर चली है। ऐसे तो दुनिया में कहीं, नवाज शरीफ के दौर में देखो ना, औरत बच्चे अपने बच्चियां बेच रही थी, वो आपको नजर नहीं आता, ये नहर के ऊपर बच्चियां बेच रही थी। जबरदस्त बात है, ऐसा जबरदस्त अपने बच्चों को नहर के लेकर डूब रहे हैं। 92 में ये बाउंड्री में क्या हुआ था, मजदूरों को क्यों जलाया गया था? मेरी बात सुने, आप लोगों को कुछ भी नहीं है, महंगाई है फिर क्या है? तो जी नाज़रीन, आपने दोनों पार्टीज की राय जानी और दोनों पार्टीज जो है हक पे है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2021 जो है वो जा रहा है, तो 2021 में आपने क्या खोया क्या पाया, कैसा रहा ये 2021, कुछ बताएं। बस माशाल्लाह 2021 बहुत अच्छा गुजरा,
और इंशाल्लाह 2022 भी अच्छा गुजरेगा। अच्छा गुजरा, बहुत जबरदस्त गुजरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2021 में आपने क्या खोया और क्या पाया? 2021 में यह हाल आया, 22 में यह हाल है। उर्दू में बोलो। उर्दू में बोला है, सिर्फ बस रोटी कमाए के लिए आता है। अच्छा। खोया क्या है फिर? जी क्या खोया? कुछ नहीं खोया है यार, हमको इतना उर्दू नहीं आता है जो तुम नाजरी ना कुछ खोए ना कुछ पाए। 2021 का इख्तिताम है तो आपने इस साल में क्या खोया है और क्या पाया? आप दोनों से पूछ रही मैं। पहले पेट्रोल खोया है और पाया तो कुछ भी नहीं है। की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोल महंगा, गाड़ी छोड़ दिया मैंने जाना, यूनिवर्सिटी जाता था गाड़ी पे, बाइक पे। तो किस पे जाते हो फिर? बाइक पे। अब बाइक भी मेरे ख्याल में छूटने वाली है। बाइक तो हासिल की ना पाई तो ना। बाइक तो पहले भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो गाड़ी छूट गई मेरे से। अच्छा और आप? सेम, मैं इसी के साथ ही हूँ, दोनों का यही हाल है भाई है। कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा कि कम से कम मुल्क की तो बेहतरी के लिए जो नारे मारे थे वो तो पूरे कर लें। ये बस है इमरान खान साहब के लिए, आरजी तौर पे मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कम कर दे डॉलर और गाड़ियों की प्राइसेस, बंदा इंडस्ट्री तो चला सके। इंडस्ट्री भी तबाह हुई पड़ी है। 2021 में आप जो हैं वो हुकूमत से इंतहाई मायूस? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सोचता था कि आना चाहिए, चलो जितने हैं कर रहा था नारे वगैरह मार रहा था, कुछ कर लेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। जो था वो भी गया मुल्क, बिल्कुल बेड़ा कर को। तो जी जनाब, आपने लोगों की दिलचस्प राय जानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।